क्वेश्चन नंबर चार, किसी खेल के मैदान के वर्तापक पथ, मैदान है जहां पर क्या है आपके वर्ताकार पथ है, इसमें दो है, एक है रमन और एक है अनुप्रिया, जो दोनों एक ही स्थान से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और वापस यहां तक, देखो वापस यहां तक पहुंचने में एक तो चक्र कितने दिन पूरा करता है, 18 मिनट, एक 18 मिनट लगेंगे तब यहाँ पहुंचेगा और एक 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसने कहा है कि दोनों इसी स्थान पर वापस कब मिलेंगे, इसी स्थान पर। तो देखो दो चीजें, एक तो 18 है और एक क्या है आपके 12 है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रसों को ज्ञात करना पड़ेगा। अब आप भूल लो कि मसों को ज्ञात, रसों को ज्ञात करो, तो क्या करना है आपको, दोनों याद में देख लो, एक 18 और एक क्या हो गया आपके 12। 18 क्या होता है, 2 की घात 2 और 3 की घात भी 2, एक 2 2 बार और 3 2 बार, 2 1 बार और 3 2 बार, 3 3 9 9 2 18। 12 क्या होगा, तो 12 का 2 तो आएगा 2 बार और 3 आएगा 1 बार। अब इसका सबसे पहले आप मसल ज्ञात कर देख लो, मसल क्या आता है, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, 6 क्या 6 मिनट बाद हो या मिलेंगे क्या, अरे रमन अनुप्रिया कितने देर काटती है, 12 मिनट से यहाँ आएगी और वो 18 मिनट में आए, 6 मिनट में मिलेंगे नहीं, 6 मिनट में यहाँ तक पहुंचेंगे, या माल स्पीड दौड़ रहा है यहाँ तक आ जाएगा 6 मिनट में, इसीलिए आपके मसल काम में क्या काम आएगा, रसों का ज्ञात। आपको देखना है कैसा होता है, दोनों देखना है, रसों पर कितना होता है, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, यहाँ 2 घात है, यहाँ कितनी घात है, 2 घात, तो कितने 2 दूनी 4, 3 3 9 कितना हो गया, 36 मिनट बाद। अब 36 मिनट हो गया क्या, सबसे पहले 36 मिनट बाद में मान, 36 मिनट हो गए, 36 नाम तो दोनों कहाँ होंगे, पहले सबसे पहले नाम है रमन, रमन कितने चक्कर लगाता है, 18 मिनट में, तो रमन क्या करेगा, 18 और 18 कितना हो गए 36, 36 मिनट बाद रमन का होगा यहाँ पर, अब अनुप्रिया क्या होगी, ये 12 मिनट में, एक चक्कर 12 मिनट हो गए, फिर 24 मिनट और फिर 36 मिनट, अनुप्रिया 3 चक्कर लगाएगी और वो 2 चक्कर लगाएगी, लेकिन पहुंचे कहाँ पर, यहाँ पर, ये नंबर ऐसा है जो 36 मिनट बाद दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि मसब आएगा या फिर लसब आएगा, ऐसे ही झटा तक उतने लिखना है आपको, तो जब ऐसा पूछे ऐसे गोले वापस कब मिलेंगे, उसके लिए क्या करता है हमेशा लसब ज्ञात करते हैं। अब ये देखो, एक संगोष्ठी में हिंदी अंग्रेजी और गणित के प्रतियोगी है जो अब टेस्ट दे रहे हैं, कितने लड़के हैं, 60 है 84 और 108 है, इसने कहा है प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक विषय कितना है, पहले वो बताना, फिर आपको बताना है रूम कितने चाहिए वो आपको बताना। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास 3 नंबर है, 60 84 और 108, प्रत्येक रूम में कितने कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मसल ज्ञात करेंगे, लसल ज्ञात करेंगे, दोनों करके देख लो, मसल करके देख लो और लसल करके देख लो, कि देखो मसल करेंगे तो एक रूम में कितना है, मतलब एक रूम में आने के लिए एक एक रूम में आना लड़के, अब बताओ अगर मसल ज्ञात करेंगे कितना है, पहले तो कितना होता है 12 × 60, मतलब वो वाला 2 की घात 2 × 3 ये तो क्या 12 × 5 = 60, नहीं तो फिर ऐसा करके देख लो जो मैंने पहले किया था, 21 और 84 मतलब 2 की घात 2, अब हो गया आपके 21 कितना होता है 3 × 7, अब इसका क्या होता है 108 18 108, अभी बताया था, तो क्या 18 108 क्या होगा आपके 6 का हो जाएगा 2 की घात 3, 2 3 होता है 6, 18 हो रहे, तो 2 कितना हो गए, 2 तो हुए 2 बार और 3 कितनी बार हो गए आपके 3 बार, ये देखो 2 × 2 = 4, फिर इसमें 3 × 9 = 27, 27 × 4 कितना होता है 108 होता है। अब आप मसल करके देखो, लसल दोनों करके देखो, मस्त इसने क्या है प्रत्येक रूम में कितने आएंगे लड़के, तो प्रत्येक रूम में लड़के कितना आएंगे, तो पहले लसल ज्ञात करके देखो कितना आएगा, 2 और 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन 2 कितनी बार है, कम से कम 2 2 बार सब में, तो दो दो चार चार कितने हो गए 12, एक रूम में एक सब्जेक्ट कितना आएंगे 12, क्या ये आएगा, या तो लसल करके देखो, लसल में क्या आएगा, 2 भी आएगा 3 भी आएगा 7 भी आएगा 2 2 बार आएगा 3 3 बार आएगा 7, इससे उत्तर कम से कम आपके 1000 के आसपास आएंगे, क्या ये तुम 1000 स्टूडेंट आ जाएंगे, हमारे पास स्टूडेंट नहीं है, हजार हमारे पास कितने स्टूडेंट है 60 और 84 60, टोटली 200 स्टूडेंट है आपका, और यार लसल आ रहा है कम से कम 1000 के आसपास उत्तर आ रहा है, तो क्या लसल आ जाएगा, लसल पर नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक रूम में आपको 12 ही बैठाने, अब चाहे वो हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की हो चाहे किसके भी हो,
एक रो कितने बैठेंगे 12 बैठेंगे, तो ये मसल आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि मसल पर कौन सी चीज यहाँ से बैठेंगे। तो ये कह रहा है प्रत्येक रूम में कितने आएंगे, बराबर संख्या कितना आएंगे, एक रूम में 12 का बैठना है तो रूम कितने चाहिए। सबसे पहले रूम आपको ज्ञात करने हैं देखो हिंदी के, बताओ हिंदी में कितने रूम चाहिए। हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं 60 और एक रूम में कितने बैठते हैं 12, तो बताओ कितने रूम चाहिए हमें, 5 रूम चाहिए। 12, 24, 36 अलग अलग 12 बैठा कितने रूम चाहिए, 5 रूम चाहिए इनको। फिर है आपको अंग्रेजी, अंग्रेजी के लिए कितने रूम चाहिए, 84 टोटल लड़के हैं, एक रूम में ओनली 12 बैठते हैं, तो बताओ कितने जाएगा आपके 60। फिर अगला देर का है आपके क्या नाम है गणित के लिए, गणित में स्टूडेंट कितने हैं आपके 108। अब 108 लड़कों को एक एक लड़के एक एक रूम में 12 बैठते हैं, रूम कितने चाहिए बताओ हमें, कुल कितने रूम चाहिए। पहले चाहिए 5, फिर चाहिए 7, फिर चाहिए 9, कितने होते हैं। अगर 21 रूम हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, इसमें लड़कों को हर एक रूम में 12 रूम में 21 रूम में बैठा सकते हैं।